Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing real numbers, and this is the lecture number 8. I hope you have already watched part 1 to part 7 before watching this part 8. और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पिछली सब चीजें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और खूब आनंद आया होगा चीजों को बेसिक समझ करके और क्वेश्चंस भी किए होंगे. आज थोड़ी और आगे बात करते हैं. और क्या बात करना है आज? सबसे पहले हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स देखेंगे या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर ये आज का टॉपिक है. सबसे पहले डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स और कुछ क्वेश्चन भी हम करेंगे आज. क्या है रैशनल नंबर? रैशनल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रैशनल नंबर है उसको डेसिमल एक्सपेंशन करना है. जैसे मान लीजिए कि आपके पास है 25 और आपको 4 से डिवाइड करना है, तो आप 4 से डिवाइड करोगे, 25 बाई 4 एक रैशनल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6.64 24, ऐसे करके जैसे 55 में डिवाइड करते थे बिल्कुल वैसे ही करना है. 6.4 24, अब बच गया रिमाइंडर 1. अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 रख देंगे, तो 4 2 8, फिर क्या बच गया? 2, और फिर हम 0 रख देंगे और क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 बच गया, 0 रख दिया, 4 5 20, तो ये आ गया 6.25. यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो एक्सपेंशन है इसको हम कहेंगे डेसिमल एक्सपेंस, है ना? ये है डेसिमल एक्सपेंस, इसी चीज का डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा होगा. अब इसी तरह से अगर मैं 4/25 लिखूं, नंबर को थोड़ा चेंज कर दूं और ये नंबर ऐसा लिखा जाए 4/25, अब इस नंबर को अगर मैं ऐसा लिखूं कि 4/25, तब क्या होगा? तब आप तब भी डिवाइड करेंगे बिल्कुल 4 ऐसे और ये 25, डेसिमल रख दिया तो 0 आ गया, क्योंकि ऐसे तो डिवाइड हो नहीं रहा. 1 टाइम्स तो 25, क्या बच गया? 15. अब फिर आप एक 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 15 25 6 150, तो ये कैंसिल हो गए. और यहाँ पे भी 5 किया था तो आ गया था 20, और 20 रखने से क्या हो गया था? कैंसिल. सो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं इसको 0.16, 0 इंटीग्रल नंबर है और ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. तो इस तरीके से हम नंबर को, इनको भी डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे, ये भी एक डेसिमल एक्सपेंशन है. और इसमें क्या है कि नंबर्स जो है वो टर्मिनेट हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, तो इसको कहेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग नंबर. These are called terminating decimals, terminating decimals, ठीक है ना? जो इसको कहेंगे terminating decimals, है ना? ये terminating decimals है, decimal terminate हो रहे हैं. तो ये rational number की representation जो है वो इस तरह का decimal representation है जो terminate हो रहा है. कुछ ऐसे भी होंगे जो टर्मिनेट नहीं होंगे, जैसे 30 10/3, अब इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 3.3333, ये कभी खत्म नहीं होंगे. ये 10 में 3 से डिवाइड किया, 3 3 9 और ये बच गया 1, फिर डेसिमल रखेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 1, यानी जो रिमाइंडर्स हैं वो लगातार रिपीट होते रहेंगे. और रिमाइंडर्स जब तक रिपीट होंगे तो ये कभी खत्म भी नहीं होगा. ये 9 फिर 1 फिर 0 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, तो इस तरीके से ये रिपीट नहीं रिपीट होते रहेंगे, बट ये कभी खत्म नहीं होगा. जिंदगी वैसे खत्म हो जाएगी लेकिन ये नंबर खत्म नहीं होगा. तो इसे ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स, रिपीटिंग डेसिमल्स, तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स. तो
इस तरीके के भी होंगे कि एक टर्मिनेट होंगे और दूसरा एक ऐसे भी होंगे जो टर्मिनेट नहीं होंगे। तो नंबर्स के बारे में ये कह सकते हैं कि एक ऐसे तरह के रैशनल नंबर होंगे जो रैशनल नंबर दो तरह के हो सकते हैं। रैशनल नंबर दो तरह के होंगे, एक जो टर्मिनेट होंगे और एक जो टर्मिनेट नहीं होंगे। टर्मिनेटिंग आपने देख लिया, टर्मिनेटिंग एंड दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो कुछ अर्थ जैसे कि एक टर्मिनेटिंग होगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग होगा। रूट टू की वैल्यू अगर हम निकालें तो रूट टू की वैल्यू क्या होगी, रूट थ्री की वैल्यू अगर हम निकालें तो रूट थ्री की वैल्यू क्या होगी, ये हमें देखना है कि रूट टू रूट थ्री की वैल्यू कैसी होती है। ये जो वैल्यू है रूट टू की 1.41421356, इसमें देखो कोई पैटर्न नहीं है। रूट थ्री की वैल्यू 1.73205081, कोई पैटर्न नहीं है और नंबर कभी भी कैसे भी हो सकते हैं, बट ये रिपीट नहीं हो रहे। तो इन नंबर्स को हम कहते हैं, ये हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस आर, दिस टाइप ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और ये क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी हो रहा है और रिपीट हो रहा है तो उसको हम रैशनल कहेंगे, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इस नंबर को हम कहेंगे इरेशनल नंबर्स। दीज आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि रियल नंबर में से आप दो तरह के नंबर हो सकते हैं। एक रियल नंबर की अगर हम बात करें तो रियल नंबर में डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, अगर तो रियल नंबर में डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो होगा टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, और एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरह के नंबर होंगे, एक जो रिपीटिंग होंगे, रिपीटिंग होंगे, और एक जो नॉन रिपीटिंग होंगे, नॉन रिपीटिंग। और ये रिपीटिंग वाले और नॉन रिपीटिंग वाले, ये दोनों मिल करके होते हैं, ये दोनों, ये कहलाएंगे रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। और ये जो है ये इसको कहेंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, प्लस नॉन रिपीटिंग। और ये है नॉन, तो ये कहलाएंगे रैशनल, या टर्मिनेटिंग हो तभी उसको हम कहेंगे रैशनल। और ये रैशनल और इरेशनल मिला के दोनों क्या होते हैं, रियल नंबर। तो ये चीज है, आपको इसका दिमाग में रखना होगा। हम करके दिखाते हैं एक आध क्वेश्चन, आप देख लीजिए। और यू कैन प्रूव दैट रूट फाइव इज एन इरेशनल, बिल्कुल वैसे ही करना है। पहले लिख देंगे कि लेट रूट फाइव इज ए रैशनल नंबर, ये लिखते थे ना, बताओ बताया था ना सही, रैशनल। फाइव कैन बी रिप्रेजेंट, कैन बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ, फाइव कैन बी रिप्रेजेंट, कैन बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, फॉर्म ऑफ p by q, where q is not equal to 0 and p and q are, and p and q are, क्या है p और q, p और q को प्राइम नंबर से, एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर, एंड p एंड q आर, एंड q आर को प्राइम नंबर, को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स, दोनों को प्राइम इंटीजर्स हैं, दैट इज देयर इज नो कॉमन फैक्टर। अब इसको रूट फाइव को हम लिख सकते हैं क्या, पी बाई क्यू, दिस इंप्लॉय पी इज इक्वल टू रूट फाइव क्यू, एंड देयर फॉर पी स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव क्यू स्क्वायर, एंड बाई विच फाइव मस्ट डिवाइड्स क्या,
5 डिवाइड पी स्क्वायर, देयरफॉर पी स्क्वायर हैज 5 डिजिट फैक्टर, देयरफॉर 5 डिफेक्ट फैक्टर है। एंड दिस एम्प्लॉय थ्योरम जो हमने सीखा है उसके हिसाब से क्या कह सकते हैं कि p डिवाइड्स p एज वेल p आल्सो, ये इक्वेशन ए होगा। सो p को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीजर सम इंटीजर क्या m, एंड देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में हम रख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट p स्क्वायर की जगह पे क्या रख देंगे 5m का होल स्क्वायर, m स्क्वायर is equal to 5q square, that is q square is equal to 5m square, तो q square में भी 5 factor आ गया, so 5 divides q square as also, 5 q square को भी divide करेगा, है ना, so 5 divides q square also, therefore 5 divides q square also, q square, this employee 5 divides q as well, q 5 divides q as well, q also, ठीक है, ये भी होगा, तो 5 divides p को p और 5 divides q यहाँ पे भी आ गया, p पे भी divide कर रहा है और q को भी divide कर रहा है, इसका मतलब 5 is a common factor, therefore 5 is a common factor of P and Q both, which is a contradiction, क्योंकि हमने शुरू में क्या मान रखा है कि there is no common factor and therefore root 5 is a an irrational number, irrational number, जो हमने rational माना था तब में क्या है irrational number, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये अगला क्वेश्चन क्या है, 3 5 इज एन इरेशनल नंबर, यहाँ भी वही कर लेंगे, लेट 3 + 2√5 रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, एंड देयरफॉर 3 + 2√5 कैन बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, p and q ये डेफिनेशन है, so 3 minus p by q, चाहे p by q minus 3 लिख दें, p by q therefore p by q ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इधर क्या रह जाएगा 2√5। अब बताओ ये रैशनल हमने माना है, आरएचएस में क्या है रैशनल है, और ये भी क्या है रैशनल, रैशनल माइनस रैशनल इज रैशनल, तो हियर एलएचएस इज रैशनल, आरएचएस इज रैशनल, वेयर एज एलएचएस इज एन इरेशनल, तो सिंस हियर √5 यहां लिख देंगे, √5 इज एन irrational number, irrational number, therefore 2√5 is also an irrational number, irrational number, twice of √5 is an irrational number, and therefore LHS is irrational, irrational, while RHS is difference of two rational numbers which is also rational, so rational, so LHS जो है वो irrational है और RHS क्या हो गया rational, ये दोनों बात सही नहीं हो सकता, कुछ कंट्राडिक्शन, कुछ इज ए कंट्राडिक्शन, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन है ना, एंड देयरफॉर क्या कह सकते हैं 3 + 2√5 इज ए एन इरेशनल नंबर,
इरेशनल नंबर, क्योंकि रैशनल इरेशनल के बराबर होता नहीं, ठीक है। तो इसलिए एलएचएस तो हो गया, ये क्या हो गया, ये जो पूरा चीज है ये हो गया हमारा इरेशनल, और ये पूरा चीज क्या हो गया, रैशनल। तो एक रैशनल और एक इरेशनल, इसलिए बात बनी नहीं कि रैशनल ये हो गया रैशनल और इधर हो गया इरेशनल, तो इसलिए दोनों बराबर हो नहीं सकते। इसलिए जो हमने माना था कि ये रैशनल था, ये बात गलत है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है थर्ड, इसको देखो क्या करना है, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल्स। तो उसी तरह से लॉजिक लिखना है पहले में, सिंस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, एंड देयर फोर वन डिवाइडेड बाई टू इज एन इरेशनल नंबर, लेकिन ऐसा भी, लेकिन टीचर जो हैं ऐसे लिखने से बात मानते नहीं हैं, उन कहते हैं कि नहीं आप प्रूफ करो, तो लिख दो कि रूट टू इज एन इरेशनल, रैशनल मान लेते हैं कि रूट वन बाई रूट टू इज एन रैशनल नंबर, वैसे ही पहले की तरह कर लेंगे, लेट वन बाई टू ऐसे कर लीजिए, लेट वन बाई टू इज ए रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर है, इसलिए देयर फोर वन बाई रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू लिख सकते हैं ना, और ये दोनों क्या है, इंटीजर्स, तो ये दोनों इंटीजर्स हैं, तो आप फिर पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू रूट टू पी लिख सकते हैं, और फिर वैसे ही क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू पी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो फिर लिख देंगे कि टू डिवाइड्स क्यू स्क्वायर व्हिच इंप्लाई टू डिवाइड्स क्यू एज वेल, टू डिवाइड्स क्यू ऑल्सो, एक इक्वेशन होगी कि अगर ये उसको डिवाइड कर रहा है तो इसको भी डिवाइड करेगा, और उसी तरीके से फिर आप लिख देंगे कि तो टू क्यू को डिवाइड करेगा तो क्यू इज इक्वल टू टू एम मान सकते हैं, है ना, लेट क्यू इज इक्वल टू टू एम फॉर सम इंटीजर एम, सम इंटीजर एम, ऐसा। सो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एम स्क्वायर हो गया, एंड देयर फोर पुटिंग इन दिस वन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू पी स्क्वायर, सो इसलिए हो गया क्या, फोर एम स्क्वायर इज इक्वल टू टू पी स्क्वायर, दैट इज पी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम स्क्वायर, एंड देयर फोर टू डिवाइड पी स्क्वायर एज वेल, पी स्क्वायर व्हिच इंप्लाई टू डिवाइड पी एज वेल, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी ऑल्सो, है ना, ये बी हो गया, तो फ्रॉम ए एंड बी क्या हो गया, वही वही सारी कहानी लिखनी है, कोई नया नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं, देयर फोर टू इज ए कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू बोथ, क्यू बोथ, और अर्लियर हम क्या मानते हैं कि पी और क्यू क्या होता है, को प्राइम, ये हमेशा मानते हैं, सो विच इज ए कंट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, एंड हेंस देयर फोर क्या कह सकते हैं, वन बाई रूट टू इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है ना, रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, कोई दिक्कत वाली बात है तो बता दीजिए, नहीं ना, समझ आ गया। इसी तरीके से आप बाकी के दो क्वेश्चन खुद कर सकते हैं, ऐसा हमने क्वेश्चन किया है, यहाँ पे 7√5 को फिर मान लेंगे कि रैशनल है, और ये 7√5 को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी तरीके से करेंगे, यहाँ पे भी पहले जैसे हमने क्वेश्चन किया है उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं आप, और करके इस एक्सरसाइज को खत्म कर लीजिए, अगले दिन जब फिर अगली क्लास में मुलाकात होगी तो उसमें कुछ नई बातें होंगी, और फिर इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, तो तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दूसरों को रिकमेंड करना भी ना भूलें, ठीक है ना, चलिए।